अजमल भाई सुपुर हो टकली सुपुर असे ही सब्सिडी ही सी यार 6 अरब असे हुकूमत वे बिली ने 2 अरब बड़ा थे 8 अरब बिली अने दौरान को सुट आटो क्वालिटी ही नोर कोटा कम हो गई ने शिकायत से जाई सिन अने वाला इतने असे के अने दफ यूक्रेन एक अंदु मसो डबल रेट पड़ा भी असे सब्सिडी 8 अरब की हिंदी की नसोट ऐसा सब्सिडी यूक्रेन के गंदु में डबल रेट पड़ा भी तो तन असे के फूड डिपार्टमेंट ही जिम्मेदारानी हन मिनिस्टर हन वो पंजाब गवर्नमेंट सर मुजाकर उठ गए अनुमोर प्राइम मिनिस्टर ठंगो कैसे जाक से सफर से रहते तो को तो बेस्ट अकली थी कहने अगर पंजाब गवर्नमेंट के स्टॉक मौजूद हैं तो दो घटे दे तो मजा पंजाब गवर्नमेंट रिवेस गंदुम परचेस तो वाले गिल्टेड सप्लाई स्टार्ट भी और अगर ने भी तो मैं अनुमोर प्राइम मिनिस्टर ठंगोन वजीर आला साहब इतन मीटिंग गहीन भला मैं टकली के बीच ये चला है तो शम से कि भाई पीएम साहब मस्त तस्वीर पछरे गए सीएम साहब से कि अनु गंदुम उसको रचिन यूक्राइन नहीं थे तो सो जो गुजारिश है अगर हफ्ता एक मजीद टाइम दी गए हुकूमत तो इन शाला से को मसला कोटा है मसला क्वालिटी मसला तो हल भी बाकी मस बाकी खोमर के मसाइल नया हवाला बस अजमल वाइट करेगा सीएम साहब से विजिट करते सो कुछ वाई की वाई हल्का ही नहीं बिल्कुल वाई तो सो जो गुजारिश इनकी तरह रोड वा गुजार सी तो नहीं जब से ये सफर बिलन मेन शाहरा इन सही तो सो पूरा बहुत ही बहुत शुक्रिया ऐसे मर्जी लाना हो ऐसे जिम्मेदारी इंशाल्लाह बस वलोन ठेर होगुन साफ आते लई जन ठेर होगुन ठीक तो वैसे रहिए कि तू ट्रे डेज इन्हें एक हफ्ते का टाइम देते हैं अगर हफ्ता वो संग आठ सही न हो तो नेक्स्ट लाए अमल बस ऐलान थो बाकी शाह साहब पे बहुत ही शुक्रिया सिद्दीकी साहब पे बहुत ही शुक्रिया और एसी साहब पे बहुत ही शुक्रिया कि उनके ताउन से इंशाल्लाह दो ट्रेड तो मजा डिलीवरी वहाँ से स्टार्ट होगी और हम उनको दे रहे हैं 5 से 7 दिन बस बातचीत कर दो आलो बात अगर नहीं गटपट पे तो फिर मुश्तरक लाए अमल ते थो बड़े शीघ्र आते थो ठीक ही नहीं बाकी शाह साहब बहुत ही शुक्रिया आनवा तो वयोग तो आना वाई शक वक्त इमनेट वक्त इमनेट वो फिलहाल ना हो तो कि तो हल्का बंदी बहुत बसन पूरी बस यून से इसकर वही जिक जिक थे आप हर वोट ले जो खन मुशट ऐसे करना हो तो बहरहाल इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और शाह साहब थे बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो आज एहतजाज यहाँ पे कौमर के जवानों ने किया है इस हवाले से एजेंडा आप सबके सामने है कि यहाँ होमर चौक से लेके यहाँ डीसी ऑफिस तक 1 महीने के अंदर 3 से 4 वारदातें हो गई हैं। यहाँ का सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जब यहाँ कोई वारदात होती है आपके सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जाके उनके फुटेज देखते हैं तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इनके पूरे प्रोजेक्ट नाकाम हो चुके हैं। यहाँ 10 कदम के आपके सामने डीसी ऑफिस है, यहाँ इनका अपना कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है। कल खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो चोरी की वारदातें थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो आटे का इशू है अजमल भाई ने जैसे आपको बताया ये इंतहाई नाकिस आटा दिया जा रहा है और कोठे में भी कमी की गई है। अब अगर ये 1 हफ्ते के अंदर ये बहाल नहीं करते हैं तो पूरी मशावरत के साथ भरपूर अंदाज में एहतजाज की जाएगी। ये जो इशू था आटे का ये बहरान आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से पूरे गिलगित सिटी के अंदर इसमें तेज़ी आ रही है। तो हमारी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से कि वो फिल फोर पंजाब गवर्नमेंट से उनकी नेगोशिएशन होनी चाहिए उनसे। अगर यूक्रेन से सही क्वालिटी में नहीं मिलता है तो जो पंजाब के पास जो स्टॉक है उसमें से कटौती करके यहाँ जो डिफिसिट है आटे का उसको फुलफिल किया जाए। और मेरी गुजारिश है कि ज़रा सिटी पे भी सिटी के मसाइल पे भी तवज्जो दी जाए क्योंकि यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उसका बड़ा फुकदान है। पानी आटा ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं और आपको पीने का पानी ना मिले और आटे की प्रॉब्लम हो तो मेरे ख्याल में वो कुछ सेंस नहीं बनता है। बाहर की जो दुनिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ उनका यही डेकोरम रह चुका है शुरू से कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को फोकस करते हैं। वो फुलफिल जब होती हैं तब जाके वो मेगा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है और हमने 7 दिन का ये अल्टीमेटम दिया है, 7 दिनों के अंदर ये अगर इशू नहीं आएगा तो मेरे ख्याल में फिर मुश्किल होगा कि लोगों को संभालना क्योंकि ये पेट का मसला है और ये फूड का मसला है।